नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप घर पर होममेड वैक्स मिनटों में कैसे तैयार करके अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। चेहरे की खूबसूरती में रुकावट डालने का काम करते हैं अनचाहे बाल। अधिकतर लड़कियों चेहरे पर अंडर आर्म्स के अनचाहे बालों को हटाने के लिए पार्लर जाकर वैक्सिंग का सहारा लेती हैं और ढेरों रुपये जो है खर्च करती हैं। माना कि पार्लर जाकर वैक्सिंग करवाना लोगों का क्रेज़ बन चुका है, लेकिन आज भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो पार्लर जाने की समर्था नहीं रखती लेकिन अपनी खूबसूरती को बनाए रखना चाहती हैं। अगर आप भी उन्हीं लड़कियों में से हैं और पार्लर से वैक्सिंग करवाने से बचना चाहते हैं तो आज हम आपको नेचुरल वैक्स बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं जो कि केमिकल मुक्त है। इसकी मदद से आप शरीर के अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप जो है इसकी सामग्री नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक वैक्स बनाने के लिए एक चम्मच जेलेटिन पाउडर चाहिए। उसके बाद चाहिए हमें एक चम्मच कच्चा दूध। उसके बाद चाहिए आधा चम्मच हमें चाहिए बेकिंग सोडा और हमें चाहिए एक चम्मच खीरे का रस। तो आपको करना क्या है, वैक्स बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं। आपको करना क्या है, वैक्स बनाने के लिए एक कटोरी में जेलेटिन पाउडर, कच्चा दूध, खीरे का रस और बेकिंग सोडा मिला लें। इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करके 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दें। माइक्रोवेव से निकाल कर फिर इसे मिक्स करें। अब इसको आप अपने अंडर आर्म्स, टांगों और अन्य हिस्सों पर लेप की तरह लगाएं। थोड़ी देर बाद इसे वैक्स की तरह रिमूव करें। इससे बॉडी पर मौजूद अनचाहे बाल आसानी से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। इस प्रक्रिया को आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं और ये पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।